जैसा कि आप सभी को पता है, सोप का हिंदी दुकान होता है, लेकिन सोप में अगर कुछ इंग्लिश के नए शब्द जोड़ दिए जाए तो उसका हिंदी चेंज हो जाता है। जैसे अगर सोप में आईएनजी जोड़ दिया जाए शॉपिंग, तो इसका हिंदी हो जाता है खरीदारी करना। अगर सोप में कीपर शब्द जोड़ दिया जाए शॉप कीपर, तो इसका हिंदी हो जाता है दुकानदार। और इसी प्रकार अगर सोप में ओनली पर जोड़ दिया जाए सोपर, तो इसका हिंदी हो जाता है ग्राहक। और अगर सोप में वर्न शब्द जोड़ दिया जाए सोप वर्न, तो इसका हिंदी हो जाता है गंदा या घिनौना। और इसी प्रकार सोप में होलिक शब्द जोड़ दिया जाए सोप होलिक, तो इसका हिंदी हो जाता है खरीदारी करने का शौकीन, या जिसे खरीदारी करने का शौक हो उसे सोप होलिक बोलते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश की नई नई जानकारी पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।